नी कराम चौथा खाना जिसका तस्करा कुरान क़रीम में किया गया है जहनमियों के ज़ा गुस्सा ज़ा गुस्सा माने हलक में फंसने वाला खाना हमेशा आदमी ऐसा खाना पसंद करता है जो हलक में फंसे ना आसानी के साथ इंसान के पेट में और मैदे में चला जाए ऐसा खाना जो हलक में फंसे बल्कि हलक में कोई खाना फंस जाता है फौरन पानी पीता है कि वो निकल जाए लेकिन इनका जो खाना होगा जहनमियों का कि वो हलक में फंस जाएगा हलक में फंसता रहेगा पानी मांगेंगे तो गर्म पानी दिया जाएगा अल्लाह तबारक सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर बारह और तेरह में फरमाया लदैना अनकालम व जहीमा बेशक हमारे पास बेड़ियाँ हैं और जहन्नम है व हैं व अज़ाबन अलीम हमारे लिए काफिरों के लिए क्या है मोमिनों के लिए अहिल ईमान के लिए अहल तौहीद के लिए जन्नत है नेमतें हैं इनाम और इकराम है अच्छे खाने हैं अच्छे पानी है हो रहे हैं जो आपने नाजरीन ए नाम सुने सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारे लिए काफिरों के लिए क्या है हमारे पास काफिरों के लिए कुछ नहीं है सिवाय जहन्नम के बेड़ियाँ होंगी रस्सियाँ होंगी जिसमें उनको जकड़ा जाएगा बांध कर जहन्म में ढकेला जाएगा और अल्लाह ने फरमाया तमनजा गु़स्सा हलक में फंसने वाला खाना होगा और दर्द नाकज होगा जहन्नम में जहन्नमियों के लिए खुश जायका खाना खाने का एक लुमा भी हराम होगा उनको जक्म दिया जाएगा उनको गस्लिन दिया जाएगा उनको जागुस्सा दिया जाएगा उनको जरिए दिया जाएगा उनको कोई अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि किसी खाने अच्छे खाने का एक लुकमा भी आराम होगा